हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक सा स्वेटर डिजाइन पैटर्न। इसे आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर किसी भी ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिए। फ्रेंड, बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन पैटर्न है और ये जो है ना सिक्स रो की डिजाइन है और ये 8 के मल्टीपल बनेगा। प्लस 3 फंदा लेंगे तो आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमने 27 फंदे लिए हुए हैं। नॉर्मल ऊन लिया है और हमने 10 नंबर की ये नीडल्स लिए हुए हैं। तो चलिए डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद आप राइट साइड से डिजाइन पैटर्न को स्टार्ट कीजिए। देखिए, फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा आगे लाएंगे, 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 5 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। यही 8 फंदे आपको फर्स्ट रो में बार बार रिपीट करने। धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। लास्ट में हमारे ये 3 फंदा हैं तो इन्हें हम उल्टा बुन लेते हैं। ये राइट साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ये बैक साइड है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेते हैं, इसके बाद 2 फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए, आप चाहें तो साइड का एड स्टिच बुन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये 3 फंदा हो चुका, 5 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। धागा पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3। धागा पीछे, 5 फंदा उल्टा है और धागा पीछे, 3 फंदा सीधा। तो ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, ये थर्ड रो है राइट साइड। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2। धागा पीछे, 5 फंदा सीधा। फर्स्ट रो की तरह ही इसे हमें रिपीट करना है। फ्रेंड्स देखिए, 5 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। धागा पीछे, 5 फंदा सीधा। धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा। तो हमारा ये थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए, ये रो 4 है और ये बैक साइड है। सेम आपको सेकेंड रो की ही तरह रिपीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा। जो जैसा दिख रहा है आपको उसी तरीके से इसे बुन करके कंप्लीट कर लेना है। 5 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा। देखिए हमारा ये रो 4 फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। रो 5 है, इसे अब ध्यान से देखिएगा।
इसमें चेंज है पैटर्न, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, टू फंदा उल्टा बुनेंगे। आप देखिए यहाँ जो ये उल्टा फंदा बुने हैं ना, इसके नीचे वाला ये जो लूप है, देखिए ये गांठ वाला, इसको हम यहाँ एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे। अब इसको हम ऐसे उठा करके उल्टा बुन लेंगे, ठीक ना। अब धागा को पीछे ले जाएंगे, अब एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा बुना, धागा आगे लाएंगे और ये 1 2 3 यानी तीन फंदों को हम एक साथ ऐसे 3 का 1 करेंगे, 3 का 1 उल्टा बुन देंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर धागा आगे लाएंगे, अब जो ये गांठ वाला फंदा है ना, इसके नीचे से ये वाला लूप ऐसे लेंगे और इसको हम बुनाई कर लेंगे। देखिए 1 2 अब देखिए 1 फंदा यहाँ बनाया, ये 1 फंदा उल्टा और 1 फंदा और बुनेंगे, अब ये 3 फंदा। अब इसके नीचे से हमें ये यहाँ से ले लेना है, एक्स्ट्रा फंदा बनाना है। तो यहाँ पर हमारे देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हो चुके हैं। धागा पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, ये 3 फंदों का 1 करेंगे। देखिए यहाँ पर हम ये 3 फंदों का 1 करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। और देखिए धागा आगे लाएंगे, अब इसके नीचे से ये लूप, गांठ वाले के फंदे के नीचे से ये लूप लेंगे और इसको हम उल्टा बुनेंगे। और देखिए 1 2 3 फंदा और बुनेंगे, फिर यहाँ से हम एक लूप ऐसे लेंगे और उल्टा बुनेंगे, इसके बाद धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, ये 3 फंदों का 1 करेंगे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे। यहाँ से देखिए हम ये लूप लेंगे और ये उल्टा बुनेंगे, इसके बाद ये लास्ट के हमारे 3 फंदा हैं, इन्हें भी हम सीधा बुन देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन पैटर्न का हमारा 5th रो कंप्लीट हो गया है। 6th रो है बैक साइड। अब यहाँ देखिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। अब धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा। तो फ्रेंड देखिए, 1 से लेके 6 रो ये डिजाइन पैटर्न इतना सा बनकर आया है। जब यही आप रिपीट करते जाएंगे ना, तो पूरी डिजाइन देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड देखिए ये पूरी डिजाइन इस तरीके से बनकर आएगी, कितनी प्यारी और खूबसूरत सी ये डिजाइन पैटर्न है। बहुत ही इजी तरीके से फ्रेंड्स ये बन जाता है। और देखिए ये राइट साइड है और ये बैक साइड है, तो आप इसे इजी तरीके से बनाइए, बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम डेली लेकर आते रहते हैं आप लोगों के लिए हमेशा एक डिजाइन। तो चलिए फ्रेंड, डिजाइन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।